ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। छात्र संघ चुनाव की मांग जोर पकड़ने लगी है। मांग को लेकर यूनिवर्सिटी में मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार छात्रों की ओर से ये मांग की जा रही है कि छात्र संघ चुनाव कराया जाए और इसी को लेकर यूनिवर्सिटी में मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट ऑफिस से मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। छात्रों की ओर से ये जुलूस निकालते हुए सरकार से मांग की जा रही है कि छात्र संघ चुनाव कराए जाए। यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट तक ये जुलूस निकाला जाना है छात्र संघ चुनाव बहाल कराने के लिए। लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में छात्र मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, नारेबाजी भी की जा रही है। हालांकि साफ तौर पर सरकार की ओर से यह कह दिया गया है कि ना तो हमने चुनाव शुरू कराए हैं ना ही हमने बंद कराए हैं, सोच विचार करके ही फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये मांग लगातार तूल पकड़ता चला जा रहा है। आपको बताते चले कि कैलेंडर में भी तारीख दे दिया गया है, लेकिन अब इंतजार है सरकार के आदेश का। और यही वजह है कि अब जो छात्र हैं वो प्रदर्शन को और भी ज्यादा तेज करते हुए नजर आ रहे। इससे पहले अलग अलग प्रदेश के जिलों से तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर भी उतरे, प्रदर्शन भी किया गया, कई जगहों पर पुलिस के साथ झड़प भी हुई। और आज ये तस्वीर जहां पर बड़ी संख्या में छात्र मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। प्रदेश से बुलाकर झुंझुनू में लूट करने के मामले में एक और आरोपी के गिरफ्तार करने की सूचना मिल रही है। दरअसल यूपी के दो लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना 20 जुलाई की है। आरोपियों ने डिजिटल डॉलर देने के नाम पर यूपी से झुंझुनू बुलाया और फिर सुनसान जगह पर पीड़ितों को घेर कर 15 लाख रुपए लूट लिए। मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पुलिस ने लूट की रकम में से 2.5 लाख रुपए भी बरामद कर लिया है। बीस सात 2024 को डिजिटल डॉलर देने के लिए आतिल हुसैन व साहिब को फ़ोन करके बुलाया गया झुंझुनू। यहाँ अगरसेन सर्किल पे बुलाने के बाद में एक स्कूटी उसके आगे आगे चली, वह सनशाइन होटल से थोड़ा दूर ले जाके उनकी गाड़ी रोक दी। दौसा की कोतवाली थाना पुलिस ने फर्जी क्लेम उठाने के लिए कार चोरी की झूठी कहानी रचकर वाहन को खुर्दबुर्द करने की वारदात को अंजाम देने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक बाइक भी जब्त की है। कोतवाली थाना इंचार्ज हीरालाल ने बताया कि 23 जुलाई को दीपक प्रजापत निवासी रायपुर आदि ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो रायपुर से कार की सर्विस करवाने और कपड़े लेने के लिए दौसा आया था। शाम 5:30 बजे मंडी रोड पर कार खड़ी करके कपड़े लेने गया, जहां से वापस लौटने पर कार नहीं मिली तो रिपोर्ट दर्ज कराई। इन्वेस्टिगेशन में जब सीसीटीवी फुटेज और अन्य आधार पर संदिग्ध को पकड़ा तो एक बाइक पर दो लड़कों का आना और उसमें से एक लड़का उतर के बोलेरो ले जाना और बाइक वापस चले जाना, उस प्रकार का आया। उस बाइक का पहचान करके उन दोनों को जब राउंड अप करके इन्वेस्टिगेशन किया तो तथ्य सामने आया कि बोलेरो खुद जो सूचनाकर्ता दीपक है उसी ने चोरी करवाई है। और धौलपुर पुलिस पर हमला करने के आरोपी को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 19 मार्च को सदर थाना क्षेत्र के मानपुरिया का पूरा गांव में बजरी माफियाओं का पीछा करते वक्त पुलिस पर हमला हुआ था। गिरफ्तार किए गए आरोपी पर एसपी ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। घटना में शामिल कुछ आरोपियों को पुलिस पूर्व में भी गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। तो वही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की प्रेरणा से मोटा अनाज को बढ़ावा देने के लिए आज होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान की ओर से कार्यशाला आयोजित की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहयोग से कार्यशाला में मोटा अनाज को होटल्स में सुरक्षा मानकों के साथ उपयोग में लेने की जानकारी दी गई। कार्यशाला में जयपुर की सभी 5-स्टार होटल, मध्यम होटल, रेस्टोरेंट और बजट होटल के अलावा कैटरिंग एसोसिएशन, व्यापार महासंघ के सदस्य और पर्यटन सेक्टर से जुड़े सभी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत मौजूद रहे। देखें, जब हम फूड डिपार्टमेंट से मिले
तो आयुक्त साहब और अतिरिक्त आयुक्त साहब ने हमारे से रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों को अवेयर करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन करें। होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान ने उनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और हमने आज जितने भी 5-स्टार होटल है, मीडियम होटल है और बजट क्लास है और केटरिंग एसोसिएशन और व्यापार महासंघ, इन सबको इनवाइट किया और आज सभी के प्रतिनिधि पदाधिकारी आज यहाँ आए हैं और इस शानदार आयोजन में किस तरीके से हमें आने वाले दिनों में शुद्ध खाना मिले, बिना मिलावट का खाने मिले, ये जो आज कार्यशाला है इसमें बहुत सारी चीजें हमें फूड डिपार्टमेंट से सीखने को मिलेगी। उधर सीकर हिरणा गांव में बिजली विभाग की लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई। दरअसल ग्रामीणों ने कई बार गांव के चौक पर लगे ट्रांसफार्मर में करंट आने की शिकायत दी थी। वहीं आज निगम की एफआरटी टीम ट्रांसफर ठीक करने पहुंची थी। इस दौरान एक युवक को तार पकड़ने को कहा गया, जिसके बाद युवक को करंट लग गया। दरअसल टीम बिना शटडाउन किए ही काम कर रही थी। युवक की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और परिजनों ने बिजली निगम कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपयों की मांग की है। मैं ट्रांसफार्मर है, काफी दिन से फॉल्ट है, 4-5 महीने से गाँव वासियों ने बार बार बिजली बोर्ड को शिकायत दी है, लिखित में है, पार्टी को भी लिखित में शिकायत दी है, लेकिन बिजली प्रशासन और उसकी जो बाह्य पार्टी है उसकी लापरवाही के चलते उस युवक की करंट लगने से लोकेश की मौत हो गई। अगली खबर झुंझुनू के पीपली गांव से है, जहां पर ग्रामीण शराब की दुकान से परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार को एक दुकान स्वीकृत की गई थी, लेकिन ठेकेदार ने कई दुकानें खोल ली हैं। हद तो तब हो गई जब ठेकेदार ने मंदिर और स्कूल के पास अवैध शराब की दुकानें खोल ली। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार शिकायत के बाद भी आबकारी विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा। स्कूल के पास दुकान होने से बच्चों को भी परेशानी हो रही है, तो वहीं मंदिर के पास शराबी महिलाओं को परेशान करते हैं। इसके बाद ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग। इतनी से 30-35 लोग, जिसमें महिलाएं भी थी, और हमारे गांव में शराब की दुकान तो स्वीकृत एक है, लेकिन अवैध उसकी 5 ब्रांच चला रहे हैं वो लोग। और उन लोगों ने कलेक्टर साहब से भी मिले हैं, तहसीलदार जी से मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसका कोई निदान नहीं हुआ था। उन्होंने कहा साहब डिप्टी साहब से मिलेंगे, हम डिप्टी साहब के पास गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डिडवाना जिले के आसपास के क्षेत्र के राशन डीलर्स के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी जा रही। इसी को देखते हुए आज एक बैठक का आयोजन किसान विश्राम गृह में हुआ, जिसमें डिडवाना, छोटी खाटू, मौलासर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के राशन डीलर एकत्रित हुए और बैठक में सभी ने निर्णय किया कि 1 अगस्त से सभी तरह के कार्य पोश मशीन के बंद कर दिए जाएंगे। सरकार से लंबे समय से राशन डीलर लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो 1 अगस्त से हम हड़ताल करेंगे और किसी भी पोश मशीन में 0 ट्रांजेक्शन होगा। हमारी मुख्य मांग ये है कि हमें 30,000 मानदेय दिया जाए, 2% छिज्जत दी जाए और EKYC के जो पैसे निर्धारित है, जो देते हैं मित्र वाले को, वो दिए जाएं और आधार शीडिंग के पैसे दिए जाएं। तो वहीं सवाई माधोपुर जिले के सबसे बड़े जिला अस्पताल का हाल बेहाल है। अस्पताल प्रशासन की उदासीनता और लापरवाही का आलम यह है कि जिला अस्पताल में 2-2 जनरेटर होने के बावजूद बिजली कटौती के दौरान अस्पताल अंधेरे में डूब जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। अस्पताल को इलाज की जरूरत, बिजली कटौती खोल रही अस्पताल की पोल, बिजली कटौती से ठप हुआ अस्पताल में काम, 2-2 जनरेटर फिर भी अस्पताल में अंधेरा, खराब जनरेटर ठीक नहीं करा रहा अस्पताल प्रशासन, बिजली कटौती से मरीज और तीमारदार दोनों परेशान। सवाई माधोपुर जिला अस्पताल में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और उदासीनता के चलते जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है। जिला अस्पताल के हालात ये हैं कि अस्पताल में 2-2 जनरेटर होने के बावजूद भी बिजली कटौती के दौरान अस्पताल में हर तरफ अंधेरा हो जाता है और अस्पताल के वार्डो सहित अस्पताल की सभी यूनिट अंधेरे में डूब जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा रविवार को एक बार फिर से देखने को मिला,
जब बिजली कटौती के चलते जिला अस्पताल की बिजली ही गुल हो गई। बिजली गुल होने के साथ ही पूरे जिला अस्पताल में अंधेरा छा गया। वार्डो सहित ट्रॉमा सेंटर, आईसीयू, जांच वेब, सिटी स्कैन सेंटर, एक्सरे रूम, दवा वितरण एवं पर्ची काउंटर सहित अस्पताल की सभी यूनिट में काम ठप हो गया, जिससे मरीज और उनके तीमारदार वहां मौजूद कर्मचारी भी परेशान दिखाई दिए। अच्छा, आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए? 8 बजे से लाइट जा रही है तो 10:30 बजे तक की कटौती है, 10:30 बजे तक आएगी। तो सामान्य चिकित्सालय में क्या लाइट का जनरेटर भी है, सभी चीजें? फिर जनरेटर है पर वो क्या खराब हो गया, खराब होने के कारण नहीं आ रही। इस मामले में जिला अस्पताल के कार्यवाहक PMO डॉक्टर अकरम का कहना है कि जल्द ही अस्पताल में एक मोबाइल जनरेटर की व्यवस्था की जाएगी और अस्पताल में बिजली की अलग से लाइन के प्रयास किए जा रहे हैं। मान्य चिकित्सालय एक ऐसा जगह है जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर बहुत सारे गंभीर रोगी जो है विभिन्न मशीनों पर रहते हैं, तो उन मशीनों के लिए निरंतर बिजली की सप्लाई की आवश्यकता है। यदि जो हॉस्पिटल के लिए एक अलग से ऐसी सेपरेट लाइन जो है बिजली विभाग से दी जाए, जिसमें कि बिजली जो है कटे नहीं उसकी आपूर्ति, वो एक उपाय है। दूसरा उपाय यह है कि एक मोबाइल जनरेटर, उसका हम अभी इस समस्या को देखते हुए सोच रहे हैं। उच्च अधिकारियों से हम RMR इसकी मीटिंग में इस बात को लेकर वार्ता करेंगे कि एक मोबाइल जनरेटर हमारे चिकित्सालय को उपलब्ध कराया जाए। भले ही अस्पताल प्रशासन दावा कर रहा हो कि जल्द ही मोबाइल जनरेटर की व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि अस्पताल में दो दो जनरेटर होने के बावजूद भी उन्हें ठीक कराने की जहमत कोई नहीं उठा रहा। ऐसे में बिजली सप्लाई नहीं होने से कई मशीनरी भी बंद हो जाती है, जिससे गंभीर मरीजों की जान पर खतरा पड़ सकता है। सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। और दिल्ली से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल बनाए गए हैं। ओम माथुर के आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। राजस्थान भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं ओम प्रकाश माथुर, जो अब राज्यपाल बनाए गए हैं सिक्किम के, और इसके बाद से लगातार लोग उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। पाली जिले के रहने वाले हैं ओम प्रकाश माथुर, पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम किया और इसके बाद उस काम का फल भी मिला है उन्हें। RSS में रहकर राष्ट्र निर्माण में उन्होंने योगदान भी दिया। ओम माथुर ने खुद कहा कि पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने काम किया, RSS में रहकर भी राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दिया। राज्यपाल बनने के बाद संवैधानिक पद की गरिमा का ध्यान रखूंगा, ये बयान भी उनकी ओर से सामने। उन्होंने कहा, निष्पक्ष रहकर सिक्किम की प्रगति के लिए काम करूंगा। तो किसी भी फैसले में किसी विचार का ठप्पा नहीं होगा, निष्पक्ष रहकर सिक्किम की प्रगति के लिए काम करता रहूंगा। ओम प्रकाश माथुर की ओर से राज्यपाल बनने के बाद ये बयान सामने आए। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने वाले राजस्थान के मूल निवासी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल बनाए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं ओम माथुर साहब। भारतीय जनता पार्टी को देश भर में मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई है, अब उपहार स्वरूप आपको सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है, किस प्रकार से देखते हैं? पहले तो मैं आपको करेक्ट करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ओम प्रकाश माथुर ने मजबूत नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों करोड़ों लाखों कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत से, आज से नहीं 1952 से अथक मेहनत से यहाँ तक पहुँचाया है। इसलिए पहले तो ये है कि ओम प्रकाश माथुर नहीं, ओम प्रकाश माथुर एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने जो भी दायित्व दिया है 90 के दशक से लगाकर 85 के दशक से लगाकर जो काम मुझे दिया, तो कार्यकर्ता के भाव से मैंने वो काम किया है, और अब जो दायित्व दिया है निश्चित रूप से वो भी कार्यकर्ता के नाते ही मैं उसको निभाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए निभाई क्योंकि ट्रबल शूटर और संकट मोचक के रूप में ओम प्रकाश माथुर जाने जाते हैं। जब भी किसी कमजोर राज्य में भेजा गया पार्टी के पक्ष में परिणाम दिया, और उसी का कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत और तीसरी बार लगातार केंद्र में सरकार बनी। देखिए, कुल मिलाकर के मेरे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता एकजुट होकर के जब लगते हैं, और 2014 के बाद जो प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास सबका सहयोग लेकर के चले हैं, उस सबके परिणाम से आज हम लगातार 60 वर्षों के बाद तीसरी बार
हमने सरकार बनाई है और यह सारा श्रेय प्रधानमंत्री जी के देश की विकसित योजनाओं की योजनाओं का, इसके साथ साथ हजारों कार्यकर्ता लाखों कार्यकर्ताओं का योगदान है। भाई साहब, जब आप प्रचारक थे, किसान संघ में काम करा करते थे, तो किसानों के बीच में, उनके बीच में लगातार उनकी बातों को सुनते थे, और आज जिस प्रकार से किसानों के लिए भारत की सरकार काम कर रही है, तो आपकी जो उस वक्त की जो डिमांड्स थी वो भी अब पूरा हो रही है, उनको पूरा होता देख किस प्रकार का महसूस होता है? निश्चित प्रकार से जो सोचा था 1972 में प्रचारक निकला संघ का, और उसने ये कल्पना नहीं थी कि दिल्ली के इतने बड़े बंगले में जाके रहेंगे, या इस प्रकार से हमारा पार्टी का संगठन होगा, या इस प्रकार से जिस गांव में जाएंगे उस गांव में लाखों कार्यकर्ता हमको मिलेंगे। तो ये जो कुछ भी मैंने थे, स्वाभाविक रूप से बहुत प्रसन्न है कि एक जो हमने सोचा था वो आज हमारे सामने वट वृक्ष होता हुआ दिख रहा है। आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में हमारा राज है, नहीं तो एक ज़माना वो भी था कि जमानत बस्ती थी तो मिठाई बांटते थे, लेकिन आज हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, और हमने हिंदुस्तान में दिल्ली जीता, पूरे दुनिया का ध्यान हिंदुस्तान की तरफ हमने किया है कि आगामी वर्षों में भारतीय जनता पार्टी शासित हिंदुस्तान निश्चित रूप से देश का वर्ल्ड लीडर बनने वाला है। और चलिए अब आपको सीधे बीकानेर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बीकानेर के दौरे पर हैं और इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बीकानेर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मुख्यमंत्री के साथ मंच पर मौजूद हैं, उनको भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ संत दुलाराम कुलरिया राजकीय अस्पताल का लोकार्पण किया जा रहा है। 15 करोड़ की लागत से अस्पताल का निर्माण किया गया है और इसके बाद मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। अब मरीजों को दर दर भटकने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सुबह को एक बड़ा तोहफा दे रहे हैं, मंच से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए हैं। पूनम जी, जगदीश जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक होता है पगड़ी, साफा पहनाकर अभिनंदन करें, सोल उड़ाकर स्वागत करें, और साथ ही बड़ी माला में मैं निवेदन करना चाहूंगा, बड़ी माला जी, हाँ, श्रीमान भवर जी, नरसिंह जी, पूनम जी, जगदीश जी, मगाराम जी और जगदीश जी, जनक जी, उगमाराम जी, उगमाराम जी मंच पर रहे, आगे आ जाए। हाँ। श्रीमान शंकर जी आपसे निवेदन है, भाई राजेश जी आपसे निवेदन है, जल्दी से आप आए। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए पगड़ी पहनाकर जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें और साथ ही सोल उड़ाकर स्वागत करें आदरणीय भवर जी, नरसिंह जी, पूनम जी, मगाराम जी, उगमाराम जी, शंकर जी, और मोमेंटो प्रदान कर स्वागत करें, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब का आगमन हमारे मध्य, आपका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं जो स्वागत कर रहे हैं। समस्त कुलरिया बड़ी माला लेके आए, बड़ी माला लेके जाए, बड़ी माला ले आई, बड़ी माला, ये बड़ी माला से भी स्वागत सत्कार हो रहा है। जिनके मैं नाम ले रहा हूं वही आगे रहे, मेरा निवेदन रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी माला पहनाकर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे देखिए व्यक्ति विशेष। नमस्कार।